हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रेप आई एस मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ सिक्स अगस्त तो शुरू करें उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ मैं वी हैव ब्रॉट फॉर यू अ कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स तो ये करंट अफेयर्स कोर्स जो रहेगा ये आपके लिए यू पी एस सी प्रिलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है एंड हीयर यू विल गेट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द करंट अफेयर्स ऑफ द होल ईयर फॉर यू पी एस सी तो ये जो हमारा कोर्स है ये ना सिर्फ कॉम्प्रहेंसिव होगा इसको हम 18 डेज़ में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस 18 डेज़ में क्या होगा कि पहले दिन जैसे कि संडेज़ को आपका एक मैराथन सेशन होगा जैसे कि एक सेशन हमारा आ भी चुका है पॉलिटिका तो वो पॉलिटिक के सेशन को आप देखेंगे तो कुछ पाँच से छः घंटे का वो मैराथन सेशन होगा उसमें पूरे जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक के करंट अफेयर्स को हम कंप्लीट करेंगे उसमें एंड उसके बाद हर फ्राइडे को आपका डाउट सेशन होगा लाइव डाउट सेशन होगा और इसके बाद हर सैटरडे को आपका जो सेशन हुआ है मैराथन सेशन उसका जो भी एम टेस्ट होना होगा वो होगा सैटरडे को तो यहाँ पे आपका तीन बार रिवीजन होगा एक ही करंट अफेयर्स कोर्स का तो हर सब्जेक्ट वाइज हम आगे बढ़ेंगे और अभी हमारे चैनल पे पॉलिटी का जो करंट अफेयर्स मैराथन कोर्स है वो आ चुका है अगर आपको ये कोर्स अवेल करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है यहाँ पे आपको डाउट सेशन भी मिलेंगे लाइव एम टेस्ट भी मिलेगी और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं वही पढ़ाते हैं ठीक है जिसमें जिन्होंने ऑलरेडी यू पी एस या फिर इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सौरभ सर ने पॉलिटी ले लिया है पॉलिटी का मैराथन सेशन अभी वो सोशल इश्यूज का लेंगे सेशन इसके बाद जोग्राफी एंड एन एन्वायरमेंट सत्येंद्र सर लेंगे अखिलेश्वर सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेंगे सिद्धार्थ सर जो है इकोनमी लेंगे और मैं लूंगी मिसलेनियस इशूज़ का तो ये पूरा करंट अफेयर्स का कोर्स है आई जस्ट वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू सो दैट यू कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन पहले टॉपिक्स देख लेते हैं जी वन में ज्योग्राफी में से प्लेसेस इन न्यूज़ अगर देखें तो ज्योग्राफी में पुलिन चिंतला प्रोजेक्ट तो ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में क्यों है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के गेट्स खुल गए और इसके कारण फ्लड आ गई है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो इसके बारे में देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है किस रिवर के ऊपर बेस्ड है कौन से स्टेट्स में बेस्ड है और सारी चीज़ें इसके बारे में ठीक है देन जी में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉस तो देखो ये टैक्स लॉस न्यूज़ में इसीलिए हैं क्योंकि अभी एक बिल लाया गया है फाइनेंस मिनिस्टर हमारी बिल लाई हैं ये इसमें कहा गया है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉस 2012 में लाए गए थे उन्हें हम रिपील करेंगे हटा देंगे तो ये पूरे टैक्स लॉस क्या थे इनका क्या इम्प्लीकेशन थी और क्यों उसे हटाने की बात चल रही है इसको देखेंगे देन एजुकेशन में से एक एडिटोरियल है आज का वाई गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट द फर्स्ट चॉइस तो गवर्नमेंट स्कूल्स फ़र्स्ट चॉइस क्यों नहीं रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ये सब चीज़ें इस एडिटोरियल में देखेंगे हम देन पॉलिटी में हमारा पहला टॉपिक है आसाम मिज़ोरम डिस्प्यूट तो आसाम और मिज़ोरम जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारे यहाँ के इन दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट कहाँ से शुरू हुआ और अभी ऐसा क्या हो गया कि ये इमिजिएटली न्यूज़ में आ रहा है तो इसको देखेंगे दैन इंटरनेशनल रिलेशन में वी हैव इरान विजिट ऑफ मिनिस्टर ऑफ़ एक्सटर्नल अफेयर तो हमारे मिनिस्टर ऑफ़ एक्सटर्नल अफेयर ने ईरान में विजिट की है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं क्या इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसको देखेंगे देन आगा लेगा आईलैंड तो ये आगा लेगा आईलैंड कहाँ पर बेस्ड है और ये न्यूज़ में क्यों है इसको समझेंगे एंड देन जी एस थ्री में इन्वामेंट पोर्शन में से वन हॉर्न ट्राइनोज के बारे में समझेंगे जी एस फोर में दियस नथिंग फॉर टूडे सो शुरू करते हैं विद द पंच ऑफ पॉजिटिविटी दिस इज़ नॉट जस्ट अनादर डे दिस इज़ येट अनादर चांस टू मेक योर ड्रीम्स कम टू तो जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर आपने कुछ ड्रीम किया है तो यू हैव द पोटेंशियल टू कम्प्लीट इट उसी तरह से अब अगर आपने उस ड्रीम को देख लिया है तो उसको पूरा करने के लिए कोई कसर मत छोड़िए ये नहीं कि आज का दिन छोड़ के कल पढ़ लेते हैं दिस इज नॉट जस्ट अनादर डे दिस इज अ डे विच कैन हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम तो रोज के रोजिस्टेंटली मेहनत करना है सो so देट हम धीरे धीरे करके अपने टारगेट को पूरा कर लें आखिरकार रेट्रोस्पेक्टिव टेक्स लॉस तो सेंटर जो है अब कोशिश कर रहा है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉस थे पहले के उन्हें हटाया जा सके अब ये रेट्रोस्पेक्टिव टेक्स लॉस क्या थे पहले इसको समझ लेते हैं देखो टू थाउजेंड में टैक्स लॉज लाए गए ठीक है हमारे जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी जी उन्होंने ये टैक्स लॉज लाए थे ठीक है और इस टैक्स लॉ में क्या था कि मान लो 2012 में ये टैक्स लॉज लाए गए इसमें कहा गया कि कुछ चीज़ों पर टैक्स लगेगा ठीक है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कंपनीज हैं उनके कुछ टैक्सेस के बारे में यहाँ पे बात की गई लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव थे यानी कि ये लॉ भले ही 2012 में लाया गया था लेकिन इसमें ये कहा गया कि मान लो 2008 में किसी कंपनी ने कुछ असिट्स बाय किए हैं तो उस असिट्स पे भी टैक्स लगेगा 2012 के लॉ के अकॉर्डिंग तो असिट्स पहले के हैं 2008 के हैं लेकिन अब 2012 में लॉ आया है और 2012 वाला लॉ बोलता है कि पीछे जाइए और पीछे अगर आपने कुछ असिट्स खरीदे हैं कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स हैं कुछ सर्टेन थिंग्स हैं उस पर टैक्स लगेगा तो 2008 से 2012 का टैक्स तो आपको भरना ही है उसके अलावा 2012 से अब जो टैक्स होगा वो तो अलग है ही तो इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ इसके अंतर्गत जो दो बड़ी इंडस्ट्रीज को इन्होंने यहाँ चार्ज किया था वो थे एक तो कान एनर्जी ठीक है ये जो है इस इंडस्ट्री को लगभग तीस हजार करोड़ रुपए का टैक्स चढ़ाया था इन्होंने ठीक है और उसके बाद एक थी वोडाफोन ठीक है अब इन दोनों कंपनीज ने अलग अलग कोर्ट्स में अपील किया कि ये तो गलत है ठीक है इनके कारण क्या हुआ ना इस टैक्स लॉ के कारण इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई हमारे कंट्री में क्यों देखो आप ही सोचो कि अगर आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हो ठीक है आपने अपने वहाँ के टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान की और आपने वहाँ इन्वेस्ट किया और बाद में जाके कुछ चार पाँच साल के बाद एक लॉ आता है जो बोलता है कि आपने पुरानी जो इन्वेस्टमेंट की थी उस पर अब टैक्स लगेगा तो भाई ये तो आपके साथ चीटिंग हो गई ना कि आपने तो वहाँ के टैक्स लॉस को देखते हुए ही वहाँ पर इन्वेस्ट किया था और अब वो प्रोस्पेक्टिवली अगर आप पे टैक्स लगाएंगे तो ये आपको तो चीटेड फील होगा इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि अगर आपको टैक्स लॉ टैक्स लॉस लाने ही थे तो आप उस टाइम से लेके आते रेट्रोस्पेक्टिवली ना लाते तो इसके कारण इन्वेस्टमेंट जो था वो कम हो गया था इंडिया में हालांकि अब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इसी की ओर एक और कदम बढ़ाया गया सेंटर ने बोला कि हम इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ को हटाएंगे क्योंकि इनके कारण हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे ये जो बिल लाए हैं ये ये एक बिल लाने वाले हैं इस टैक्स लॉ को हटाने के लिए इस बिल का नाम है टैक्सेशन लॉज बिल ठीक है और ये लोकसभा में लाने वाले हैं जो कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉज है टू के इनको नलीफाई कर देगा लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन हैं ठीक है थीके? यहाँ पे कहा गया है कि जब हम इनको नलीफ़ाई कर देंगे तो एक तो हम उन लोगों से टैक्स नहीं लेंगे जो इस टैक्स लॉ के अंतर्गत जिनसे टैक्स लेना था हमको और दूसरा जिनसे हमने टैक्स लिया था रेट्रोस्पेक्टिवली उनको हम वापस लौटा देंगे ये कहा है सेंटर ने इसके अलावा सेंटर ने कहा है कि कौन लोग एलिजिबल होंगे इसके लिए ठीक है तो वो लोग एलिजिबल होंगे पहला तो वो लोग एलिजिबल होंगे जो जिन्होंने भी लिटिगेशन किए हैं ना सेंटर के अगेंस्ट जैसे कि देखो आपको ये चीज़ पता होगी कि जितने भी लिटिगेशन होते हैं इंडिया में जितने भी केसेस फाइल होते हैं कोर्ट्स में उनमें मैक्सिमम केसेस जो हैं मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं वो सेंटर के खिलाफ होते हैं ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ होते हैं और इसमें भी सबसे ज्यादा होते हैं टैक्स लिटिगेशन ठीक है टैक्स को लेकर जो मुकदमे दायर होते हैं वो होते हैं तो इसमें सेंटर ने कहा है कि आप अपने जो टैक्स लिटिगेशन है वो वापस लीजिए और दूसरा ये प्रॉमिस कीजिए कि जो भी आपको कॉस्ट यहाँ पे पे करनी पड़ी है डैमेजेस हुए हैं उसके लिए आप हमको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे आप उसको क्लेम नहीं करेंगे अगर आप ये दो कंडीशंस मानते हैं तो फिर आपको हम यहाँ से इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ से मुक्त करते हैं तो ये पूरा इशू था अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स टेक्सलॉस मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है ईजी तरीके से बस आपको इतना ही पता होना चाहिए बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जानने की जरूरत नहीं है अभी ठीक है तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ क्या होता है कौन सी कंपनीज इसके अंदर इंपैक्टेड हुई क्या इसके कॉन्सिक्वेंस थे और क्यों इसे वापस लेना पड़ रहा है ये सब आपको पता होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं देन देखो रेडियल गेट ऑफ पुलिन चिंतला प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश वॉश्ड अवे तो ये पुलिन चिंतला प्रोजेक्ट जो है इसमें आंध्र प्रदेश के इसके गेट्स जो थे वो खुल गए और इसके कारण काफ़ी ज्यादा फ्लड आ गई विजयवाड़ा जैसे डिस्ट्रिक्ट में तो देखो इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है के एल राव पुलिन चिंतला प्रोजेक्ट ओके okay. अब ये देखो ये कहाँ पे है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बेस्ड है ठीक है पहली चीज़ ये दूसरी चीज़ ये कि एक रिवर कृष्णा के ऊपर बेस्ड है देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है प्रिलिम्स के लिए कि कौन सा डैम कौन सी रिवर के ऊपर बेस्ड है क्या आसपास कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है क्या आसपास कोई दूसरा डैम पड़ता है कौन कौन से स्टेट्स में है ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसको भूलना मत ठीक है चाहो तो कहीं नोट भी कर लो इसकी एक लिस्ट बना सकते हो ओके तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये प्रोजेक्ट है और रिवर कृष्णा के ऊपर बेस्ड है ठीक है और ये रिवर कृष्णा के ऊपर जब कंस्ट्रक्ट हुआ था तो ये किस किस के इरीगेशन नीड्स को कर्व करता है कैटर के, के, करता है कृष्णा वेस्ट गोदावरी प्रकाशम एंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ठीक है और ये दो डैम्स के बीच में पड़ता है एक है वैकुंठपुरम बैरेज जो अमरावती में है और एक है नागार्जुन सागर डैम ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कृष्णा रिवर के बारे में ठीक है कृष्णा रिवर देखो ये जो मैंने मैप डाला है ना ये कृष्णा रिवर का है कृष्णा रिवर सबसे पहले एक तो सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ठीक है सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इस तरफ फ्लो करती है ये ओके पहली चीज तो ये पेनसोलर इंडिया की पेनेंसोलर इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पहली चीज दूसरी चीज इसका ओरिजिन कहाँ से होता है महाबलेश्वर हिल्स से होता है जो कि सतारा महाराष्ट्र में आती है ठीक है उसके बाद महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा इधर आंध्र प्रदेश तेलंगाना इन सब जगहों पे ये फ्लो करती है पहली चीज़ तो ये दूसरी चीज़ इसके ऊपर तो कौन कौन से डैम्स हैं तो डैम्स आपको पता होने चाहिए ठीक है जैसे कि देखो यहाँ पे नागार्जुन सागर डैम है ठीक है श्री साइलम डैम है तो ये सारे डैम्स आपको पता होने चाहिए जैसे कि अभी भी हमने देखा पुलिन चिंतला डैम है इसके ऊपर ये सारे डैम्स इसके ऊपर हैं अलमत्ती डैम भी है एक ठीक है उसके बाद इसके ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए तो देखो ये मैप जो है इसमें आप देखो ये इसमें एक तो इसकी भीमा रिवर ट्रिब्यूटरी है ठीक है फिर कोयना है तुंग भद्रा है भद्रा है ओके और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ट्रिब्यूटरीज आपको याद होनी चाहिए इसकी अच्छे से और इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं देखो एक तो इसके ऊपर कौन सी मेजर सिटीज़ हैं तो एक तो यहाँ पे है सतारा ठीक है सतारा है यहाँ पे महाराष्ट्र में फिर यहाँ पे आपको विजयवाड़ा हैदराबाद देखने को मिलेगा ठीक है हैदराबाद तुंगभद्रा रिवर पे है ये क्वेश्चन भी आया था हमारे उसमें तुंगभद्रा उस पर यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है तो सतारा है विजयवाड़ा है ठीक है कृष्णा रिवर पे उसके बाद अमरावती भी इस पे ही है तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट इसके ऊपर जो मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं ये भी चीज़ याद रखना कि इसे कृष्णा रिवर को बहुत डिजास्टर्स रिवर भी माना जाता है क्योंकि इसके कारण कई सारे फ्लड्स आते हैं और बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन भी होता है तो ये सब चीज़ें कृष्णा रिवर के बारे में आपको याद होनी चाहिए तो देखो क्या करना है ना आपको कि रिवर्स की एक लिस्ट बना लेनी है ओरिजिन कहाँ से होता है डैम्स कौन से हैं ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, माउथ कहाँ पे है कुछ स्पेशल फैक्ट है अगर उसके बारे में तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और कौन सी मेजर सिटीज उस पर आती हैं, जैसे लिस्ट बना लोगे ना तो प्रिलिम्स में बहुत हैंडी होगा और रिविजन बहुत ईजिली हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं वाई आर गवर्नमेंट स्कूल्स नॉट द फर्स्ट चॉइस तो गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या प्रॉब्लम हैं इस एडिटोरियल में इसमें बताया गया है ठीक है तो गवर्नमेंट स्कूल्स में सबसे पहले तो ये कहते हैं कि यहाँ पे लगभग 51 परसेंट जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया के वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं लेकिन फिर भी एक बायसनेस है प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ऐसा क्यों है तो सबसे पहली चीज़ तो ब्रांडिंग नहीं होती है ना पब्लिक स्कूल्स की यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी ब्रांडिंग नहीं होती है दूसरा चीज़ एक परसेप्शन सा बन गया है इंग्लिश मीडियम के लिए ठीक है कि इंग्लिश मीडियम को ही हमें अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही डालना है अब पेरेंट्स ये नहीं समझते जैसे कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जो इंग्लिश मीडियम के बारे में था मीडियम कौन सा होना चाहिए तो उसमें हमने देखा था मदर टंग का मीडियम होना बहुत ज़रूरी है तो ये एक चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं ये मेनली रीजनल लैंग्वेज जो मदर टंग है उस पर भी ध्यान देते हैं इंग्लिश मीडियम पर उतना ध्यान नहीं देते इसीलिए भी पेरेंट्स कतराते हैं इन स्कूल में अपने बच्चों को भेजने के लिए फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है यहां पे पे okay. ओके उसके बाद टीचर्स जो है यहां पे, उतने क्वालिटी के टीचर्स नहीं है उसके बाद टीचर्स में ये एक परसेप्शन भी रहता है गवर्नमेंट स्कूल्स के कि अब तो गवर्नमेंट जॉब हो गई है तो उतनी क्वालिटी देकर क्या करना तो टीचर्स की क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है गवर्नमेंट स्कूल्स में ठीक है तो ये सब आपको याद रखना है फिर इसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि सारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे ही हैं बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं सरकार ने जैसे कि केंद्र केंद्रीय विद्यालय बनाए हैं नवोदय विद्यालय बनाए हैं ठीक है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस uh, के स्कूल्स हैं उसके बाद रीजनल स्कूल्स हैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कूल्स हैं ये सारे स्कूल्स भी बनाए गए हैं लेकिन यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं देखो कुछ प्रॉब्लम हैं जैसे टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ के टॉयलेट्स नहीं है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ये स्कूल्स हैं ठीक है थीके? जिसके कारण जो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन होता है स्कूल में वो कम हो जाता है इसके बाद हाइजीन का इशू है ठीक है हाइजीन उतना मेनटेन नहीं रहता क्लिनलीनेस नहीं रहती ठीक है इसके बाद यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर का इशू होता है फिर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन का इशू होता है टीचर्स का डेवलपमेंट उतना नहीं होता टीचर्स की स्किलिंग नहीं की जाती ये सारे इशूज़ यहाँ पर एक तो ये हैं ठीक है थीके? फिर इसमें कहा गया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो दस टू में ही पास हो गया था लेकिन अभी तक भी ऐसा क्या है ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं कि स्कूल्स इसको कंप्लाई नहीं कर पा रहे तो देखो इसके सेक्शन 29 में इस एक्ट के सेक्शन 29 में ये कहा गया है कि क्या क्या स्कूल्स को कंप्लाई करना रहेगा राइट टू एजुकेशन पूरी तरह से देने के लिए तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि सिर्फ 15 परसेंट स्कूल्स हैं आज की डेट में इंक्लूडिंग एलाइड स्कूल्स जो इस राइट टू एजुकेशन को पूरी तरह से कंप्लाई करते हैं जैसे कि इसमें कुछ प्रोविजन दिए गए हैं कि आपको बच्चे को एक इनोवेटर की तरह बढ़ा करना है डिस्कवर की तरह बढ़ा करना है उसको एक स्लो लर्नर नहीं बनाना है ठीक है उसकी इज टेस्टिंग आपको नहीं करनी है ठीक है हर फील्ड में उसको आगे बढ़ाना है आपको पहली चीज तो ये दूसरी चीज ये यहाँ पे कही गई है कि क्या क्या इश्यूज़ हैं स्कूल्स के साथ तो देखो कुछ स्कूल्स जो हैं अलग अलग एरियाज़ में बेस्ड हैं जैसे कुछ स्कूल्स ट्राइबल एरियाज़ में बेस्ड हैं ठीक है कुछ स्कूल रूरल एरियाज़ में बेस्ड हैं इस तरह से अलग अलग स्कूल एरियाज uh, में बेस्ड होने के कारण इनको इंक्लूसिवली हमने uh, शामिल नहीं किया है राइट टू एजुकेशन में ठीक है तो हमें हर किसी के लिए एक सेपरेट अप्रोच रखने की ज़रूरत है इसके बाद ये भी कहा गया है कि कुछ रीज़न हैं जैसे चाइल्ड मैरिजेज़ हो गई चाइल्ड लेबर हो गया जिसके कारण आज भी स्कूल्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट ही नहीं हो रहा ठीक यह है एक चीज ये है यहाँ पे कि हमें एजुकेशन देना किस तरह है हमें किसी चाइल्ड को एक बकेट की तरह नहीं बनाना है कि उसको हम बकेट की तरह भरते रहें उसके अंतर्गत उसके अंदर ज्ञान भरते रहें हमें उसे एक लर्नर बनाना है उसकी जो एबिलिटी है लर्न करने की उसको डेवलप करना है उसकी क्यूरियोसिटी को डेवलप करना है ठीक है तो यहाँ पे बात हो रही है फॉर्मेटिव असेसमेंट की कि आप किसी बच्चे को फॉर्मेटिवली असेस कीजिए कि किस तरह से वो लर्न कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ को डेवलप करवाइए ये कहता है आर लेकिन हमारे स्कूल्स कुछ अलग ही चीज़ कर रहे हैं ठीक है हमारे स्कूल्स बस भरते जा रहे हैं बच्चों को बकेट्स की तरह तो एक इशू ये भी है इसके अलावा एक इनइक्वालिटी का इशू है ठीक है इनक्वालिटी डेवलप हो रही है स्कूल्स के अंदर ही जैसे आपने भी सुने होंगे कई सारे केसेस जहाँ पे स्कूल्स के अंदर ही जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे से भेदभाव करना सीख जाते हैं जैसे कि आपने कहीं केस स्टडी सुनी होगी बिहार यूपी में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है ये कि वहाँ के स्टूडेंट्स एस सी एस टी स्टूडेंट्स के साथ बैठ के नहीं खाना पसंद करते तो इनक्वालिटी स्कूल के अंदर ही जनरेट हो रही है जबकि स्कूल जो है वो इक्वालिटी इस्टैब्लिश करने की जगह माना जाता है इसके अलावा टीचर्स का इशू है ठीक है जैसे मैंने बताया टीचर्स जो हैं उनका Professional development नहीं हो रहा, तो के professional development की है, skilling करने की जरूरत जरूरत है, है। करने उसके अलावा एक plan बनाने की जरूरत है, है? ठीक इसमें एक माइक्रो प्लान होना चाहिए school level पे, फिर एक मैक्रो प्लान होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि आप किस तरह से स्कूल्स को डेवलप करोगे तो अब हमें करना क्या है देखो हमें इन सारे इश्यूज पे काम करने की जरूरत है जैसे कि हमें यहाँ पे डाइनिंग लेवल डाइनिंग टेबल जो भी डाइनिंग एरिया है वो डेवलप करना है स्कूल गार्डन्स डेवलप करने हैं ड्रिंकिंग वाटर की एबिलिटीज़ यहाँ पे डेवलप करनी है अलग से टॉयलेट्स अलग से हाइजीन होना चाहिए यहाँ पे इन सब एरियाज़ में ठीक है टीचर्स को स्किलिंग करवानी है ये सारी चीज़ें हैं और इसमें आखिर में ये चीज़ कही गई है कि कोविड के कारण अब जो है लोगों के लाइवलीहुड्स जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जा रही हैं जॉब्स जा रही हैं तो अपने बच्चों को ये सब गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ अब भेज रहे हैं तो अब क्योंकि कोविड के कारण कोविड के इम्पैक्ट के कारण गवर्नमेंट स्कूल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है तो अब तो क्वालिटी इंश्योर करने की और ज्यादा जरूरत हो गई है तो ये पूरा इशू इसमें कहा गया है गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में बताया गया है क्या इंपॉर्टेंस है किस तरह से इसको सुधार लाना चाहिए ठीक है तो ये मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ तो देखो जयशंकर तेहरान ट्रिप होल्ड्स की अमेट अफगान डेवलपमेंट तो देखो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल बताया है कि ईरान की विजिट की अभी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमारे और इसको इन्होंने लिंक किया है अफगानिस्तान के साथ कैसे ये मैं बताती हूँ तो देखो जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं हमारे ये गए ईरान में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में ठीक है यहाँ के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं तो इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे गए हैं अब देखो इन्होंने यहाँ पे कोशिश की है इंडिया और ईरान के बीच में जो रिलेशंस में खटास आ गई थी उसको सही करने की अभी खटास क्यों थी पहला था कि यूएस के सैंक्शंस ठीक है आपको पता है कि ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी जिसमें ट्रंप ने पीछे हट गए ट्रंप और ट्रंप ने कहा जो भी ईरान से संबंध रखेगा उसके ऊपर हम सेंक्शन लगाएंगे तो उस यूएस एस को देखते हुए इंडिया थोड़ा कतरा रहा था ईरान के साथ ट्रेड करने के लिए और ईरान से जो हम क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं उस पर हमने कुछ हद तक रोक लगा दी थी तो एक इसके कारण हमारे रिलेशन में खटास आ गई थी दूसरा हमने इन्वेस्टमेंट कर दी थी वहां पर बहुत ज़्यादा चाबाहार प्रोजेक्ट के लिए ठीक है चाबाह पॉट प्रोजेक्ट जो है हमारा ईरान में उसमें हमने इन्वेस्टमेंट कर दी थी. अब क्योंकि हमने वहां पर ट्रेड रिलेशंस कम कर दिए तो ईरान ने भी रिटेलिएशन में चाबहार में थोड़े अड़ंगे लाना चालू कर दी इसके कारण खटास आ गई थी और तीसरा ईरान जो था वो कश्मीर इशू के ऊपर उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहा था तो इसके कारण भी खटास आ गई थी इन तीनों चीज़ों को सुधारने के लिए अब इंडिया और ईरान मेहनत कर रहे हैं एफर्ट्स कर रहे हैं ठीक है पहली चीज़ तो ये दूसरी चीज़ इंडिया अब कोशिश कर रहा है बैलेंस जमाने की दो चीज़ों के बीच में एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है यूएस और उसके अलाइस जैसे कि सऊदी और इसराइल ठीक है तो इसके बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया देखो इंडिया के लिए ना यहाँ पे जो अपना मिडिल ईस्ट है यहाँ पे तीन पार्टीज हमेशा रहती हैं एक तरफ है इसराइल ठीक है एक तरफ है सऊदी और एक तरफ है ईरान तो इन तीनों के बीच में हमेशा टसल चलती रहती है तो इंडिया के लिए यहाँ पे चैलेंजिंग ये हो जाता है कि तीनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए अब अफगानिस्तान कहाँ से पिक्चर में आ गया तो देखो अफगानिस्तान में आपको पता है कि यूएस ने अपने ट्रूप्स वापस लेना स्टार्ट कर दिया है ऑलमोस्ट ले लिए हैं तो अब ईरान को भी डर है और इंडिया को भी डर है कि कहीं अफगानिस्तान में अगर तालिबान में पावरफुल हो गया और तालिबान की गवर्नमेंट आ गई तो ईरान के भी खैर नहीं इंडिया की भी खैर नहीं क्योंकि यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत पावरफुल हो जाएगी और अफगानिस्तान तो हम दोनों का नेबर है तो हम दोनों चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग हो ना कि तालिबान स्ट्रांग हो तो इस तरह से इस पूरे इशू को यहाँ पे डिकोड किया गया है ठीक है तो हम चाहते हैं कि हम अफगानि अफगानिस्तान में एक गवर्नमेंट लेड पीस प्रोसेस स्टार्ट हो ठीक है तो हम यहाँ पे चाहते हैं अफगान लेड पीस प्रोसेस हो कि किसी थर्ड पार्टी का यहां पे इन्वॉल्वमेंट ना हो ये इस इशू में बताया गया है ठीक है तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ आसाम एंड मिजोरम एग्री ऑन बॉर्डर पेट्रोल बाय न्यूट्रल फोर्सेस तो देखो आसाम एंड मिजोरम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था और अभी आसाम और मिज़ोरम ने एग्री कर लिया है कि हम न्यूट्रल फोर्सेस को यहाँ पे पेट्रोलिंग करने देंगे तो पहले तो डिस्प्यूट क्या है उसको समझते हैं तो देखो आसाम यहाँ पे देखो इस मैप में आसाम ये दिख रहा है और मिज़ोरम ये दिख रहा है ये जो बीच में ये बॉर्डर डिस्प्यूट है ना इसके ऊपर ये पूरा इशू है तो ये लगभग वन किलोमीटर का बॉर्डर डिस्प्यूट है ठीक है अब हुआ क्या था कि आसाम पहले ये पूरा आसाम ये पूरा था ठीक है ये मिजोरम को मिला के ये आसाम था इसमें से 1972 में से आसाम में से मिजोरम को अलग किया गया और मिजोरम को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया उसके बाद 1987 में इसको एक फुल स्टेटहुड दे दिया गया तो इस फुल स्टेटहुड के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गया बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों ब्रिटिश एरा के कुछ नोटिफिकेशन थे यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ दो नोटिफिकेशन हैं ये ठीक है एक है 1875 का और एक है 1933 का देखो ये याद रखना जब कॉलोनियल एरा था उस टाइम पे मिजोरम को लुशाई हिल्स कहा जाता था ठीक है लोशाई हिल्स जो कि आसाम का ही एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था तो ये लोशाई हिल्स जो है इसकी जब इससे बॉर्डर्स बनी तो ये दो नोटिफिकेशन के बेसिस पे यहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट होता है पहला नोटिफिकेशन जो है एटीन का मिजोरम कहता है कि हम इस नोटिफिकेशन को मानते हैं ठीक है आसाम कहता है नहीं हम तो नाइनटीन वाले नोटिफिकेशन को मानते हैं ठीक है तो कुल मिला के इन दोनों के बीच में इन नोटिफिकेशन के कारण कुछ इशूज़ हैं लोशाई हिल्स को लेकर पहली चीज़ तो ये दूसरी चीज़ ये यहाँ पे कि जो बॉर्डर्स है ना इन दोनों के बीच में वो नेचुरल ऑब्स्टेकल्स से बनी हुई है ठीक है नेचुरल ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या है कि रिवर्स हिल्स इन सब से बनी हुई ये बॉर्डर्स हैं ठीक है तो ये हमेशा चेंज होती रहती हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है यहाँ पे डिस्प्यूट्स का अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है एक तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है आर्टिकल नंबर 263 सिक्सटी इंटर स्टेट काउंसिल बना दो और उसके अंतर्गत इसको सॉल्व करो दूसरा इसका सॉल्यूशन हो सकता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ हम आगे बढ़े ठीक है और कोऑपरेशन से इसको सॉल्व करें तो ये मेंस में में लिखने के लिए चीजें हैं, ठीक है? है अब इस न्यूज़ कटिंग क्या कहा गया है? कि दोनों फोर्सेस, दोनों की फोर्सेस ना रहकर न्यूट्रल फोर्सेस, यूनियन की फोर्सेस रहेंगी जो दोनों के बीच में बॉर्डर की पेट्रोलिंग करेंगी ठीक है तो ये पूरा इशू था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ ठीक है देखो पोचर स्किल्ड ट्वेंटी टू राइनोज इन आसाम इन फाइव ईयर्स तो देखो फाइव ईयर्स में वन हॉर्न राइनोस की बहुत ज्यादा डेथ हुई है ट्वेंटी टू वन हॉर्न राइनोस आसाम में इनकी डेथ हुई है तो देखो वन हॉर्न राइनोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज है तो इस तरह से एक स्पीशीज की भी लिस्ट आपको बनानी है तो कुल मिला के तीन स्पीशीज हैं एशिया में राइनो के एशिया के तीन राइनो के स्पीशीज कौन कौन से हैं एक तो है ग्रेट वन हॉर्न राइनो ओके ग्रेट वन हॉर्न राइनो, फिर जावान राइनो और सुमात्रन राइनो ठीक है जिसमें से जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है ये मिलता है हमारे इंडिया में और कोई सा राइनो हमारे यहाँ पे नहीं मिलता ठीक है और ये सबसे बड़ी स्पीशीज़ है राइनोसॉरस की ओके अब ये जो राइनोसॉरस है ग्रेट वन हॉर्न राइनोस की बात कर रही हूँ मैं ठीक है वन हॉर्न राइनो की तो ये ग्रेट वन हॉर्न राइनो हमारे इंडिया में मिलता है मेनली इंडो नेपाल तराई में मिलता है वेस्ट बंगाल में और आसाम में मिलता है ठीक है इंडिया में बात करें आसाम वेस्ट बंगाल यूपी में मिलता है और आसाम के चार प्रोटेक्टेड एरियाज हैं कौन कौन से पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क इन एरिया में बहुत ज़्यादा मिलता है वन हॉर्न राइनो और इसमें भी सबसे ज़्यादा मिलता है काजीरंगा में ओके आयू रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग ये वलनरेबल कैटेगरी में है ये याद रखना है ठीक है साइट्स के अपेंडिक्स वन में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में आता है तो ये प्रोटेक्शन स्टेटस आपको पता होना चाहिए कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो न्यू डेली डिक्लेरेशन आया था एशियन राइनोज पे टू में इसमें क्या हुआ था ना कि पांच राइनो स्टेट्स जो थे पांच राइनो रेंज कंट्रीज जो हैं जैसे कि इंडिया है नेपाल है भूटान है मालदीव है और इंडोनेशिया है इन सब कंट्रीज़ ने बोला था कि सॉरी uh, मालदीव नहीं मलेशिया है ठीक है तो इन सब कंट्रीज ने मिलके ये डिक्लेरेशन लाया कि हम कंजर्व करेंगे राइनोस को ठीक है उसके बाद नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी आई ठीक है इसमें भी 2019 की स्ट्रेटजी थी ओके ये एक तो ये याद रखना है और उसके बाद यहाँ पे इंडिया रा, इंडियन राइनो विजन 2020 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन राइनो विजन 2020 इसमें 2005 की स्ट्रेटजी है और इसमें कहा गया था कि आसाम में हमको जो राइनोसोरस है वन हॉर्न राइनो इसकी पॉपुलेशन को 3000 तक ले जाना है बाय 2020 ठीक है तो ये पूरा इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स थे ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए अब इसके इसको लेकर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि वन हॉर्न राइनोस क्यों खत्म हो रहे हैं एक तो देखो सबसे बड़ा कारण है पोचर्स ठीक है पोचिंग इनकी बहुत होती है हैबिटेट लॉस का बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे बाढ़ बहुत आती है फ्लडिंग बहुत ज्यादा होती है तो इस तरह के इनके बहुत सारे आ, कारण हैं जिसके कारण मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी ये खत्म होते जा रहे हैं ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट स्पीशी है याद रखना है देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ नो प्लान टू हाउस इंडियन मिलिट्री बेस इन अगलेगा आइलैंड तो आगा लेगा आइलैंड में हम कोई भी मिलिट्री बेस नहीं बना रहे हैं इंडिया का ये कहा है मॉरीशियस ने तो पहले तो कहाँ है आगा लेगा आईलैंड इसको देखते हैं तो देखो आगा लेगा आइलैंड जो है ये आप देखो ये मैप में ये इंडिया है ठीक है इंडिया के नीचे ये इंडियन ओशन है ये है हमारा सेशल्स ये है मॉरीशियस ठीक है यह है मेडगाकर ये आपको आइलैंड याद होने चाहिए कहाँ पर कौन सा है ठीक है और इसका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए कि नॉर्थ में कौन सा है साउथ में कौन सा है ईस्ट में कौन सा है वेस्ट में कौन सा है ठीक है अब देखो यहाँ पे ये रहा हमारा आगा लेगा आइलैंड ओके okay. अब ये आगा लगा आइलैंड जो है इस पर हम अपना जो एयर स्ट्रिप्स वगैरह बना रहे थे ठीक है इंडिया अपना प्रोजेक्ट बना रहा था एयर स्ट्रिप्स वगैरह यहाँ पे सी कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी के लिए ठीक है दूसरी रीजन था यहाँ पे कि इंडियन ओशन में हम अपनी प्रेजेंस चाहते थे क्योंकि इंडियन ओशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि लगभग नाइन्टी फोर फाइव परसेंट जो ट्रेड है हमारा बाय वॉल्यूम ये इंडियन ओशन से होते हुए आता है ठीक है इसका तीसरा कारण था कि चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स पॉलिसी है आपको अगर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी चाइना की क्या है चाइना कोशिश करता है कि इंडियन ओशन ओशन में इंडिया का घेराव करे जैसे कि यहाँ पे इसने अपना एक बेस बना लिया यहाँ जिबूती में अपना एक बेस बना लिया ठीक है इस तरह से पाकिस्तान में अपना एक ग्वादर बेस बना दिया तो इस तरह से यहाँ पे चाइना इंडिया का और इंडियन ओशन का घेराव करना चाहता है ठीक है जैसे कि आपको पता है चाइना की हमेशा से एनेक्सेशन की पॉलिसी रही है साउथ चाइना सी को भी अपना अपना करना चाहता है इंडियन ओशन को भी अपना करना चाहता है तो इंडिया इस पॉलिसी से लड़ने के लिए अपने भी बेसिस यहाँ पे स्टेब्लिश करना चाहता है तो इसीलिए ये आगल लेगा आइलैंड के ऊपर प्रोजेक्ट चालू है ठीक है तो ये तो इसके कारण हो गए ठीक है अब मॉरिशियस जो है थोड़ा सा कतरा रहा है मॉरिशियस में बहुत प्रोटेस्ट हुए इसके अगेंस्ट आइलैंड के ऊपर कि इंडिया को हम क्यों दें आइलैंड इसका रीजन क्या था देखो इसका रीजन ये था कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डियोगा गार्सिया ये भी मॉरीशियस का ही पार्ट है ठीक है तो अब इसमें क्या हुआ था ना कि यहाँ पे आप देखो 1965 में जब मॉरीशियस को आजादी मिली उत, आ, यूके से तो यूके ने क्या किया यहाँ पे कि यूके ने इसकी एक टेरिटरी डियोगो गार्सिया और इसका एक आइलैंड था चेगोज आइलैंड ये यूएस को लीज पे दे दिया ठीक है और अब इन्होंने बोला कि चैगोज और डिएगो गार्सिया आपका पार्ट नहीं है तो मॉरिशियस को ये डर है कि कहीं ऐसा हमारे साथ भी ना हो जाए आगा लेगा आईलैंड भी हमसे ना छिन जाए ठीक है तो ये आपको याद रखना है कि आगा लेगा आइलैंड है कहाँ पे और क्या इसके बारे में पूरी चीज़ें हैं ठीक है ये आपको याद रखना है अब इसमें अजम्पन आइलैंड भी इंपॉर्टेंट है अजम्शन सेशल्स का आइलैंड है जहाँ पे हम अपना बेस बनाना चाहते थे लेकिन अभी ये रुका हुआ है ओके इसके बाद मॉरिशियस का तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे एयर स्ट्रिप बनाना चाहते थे डॉकिंग फैसिलिटी बनाना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन मॉरिशियस ने बोला हम मिलिट्री मिलिट्री बेस तो नहीं बनाना देंगे अच्छा मॉरिशस को ये भी डर है कि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने मिलिट्री बेसिस बना लिए हैं जैसे यू यू एस यूके फ्रांस तो मॉरिशस को ये डर है कि कहीं हमारा आइलैंड छोटा सा ये वॉर जोन ना बन जाए इन सब कंट्रीज के लिए तो ये सारा पूरा इशू था ठीक है तो ये याद रखना डिएगो गार्सिया के बारे में आगल आइलैंड के बारे में अजमशन आइलैंड के बारे में और ये सभी इंडियन ओशन के आइलैंड हैं ओके तो ये हमारा ये वाला इशू पूरा हो गया अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है मैंने कल आपको कहा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ के आइएगा उसके बारे में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और इन सभी के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं ठीक है कमेंट सेक्शन में देने तो डू पार्टिसिपेट ओके पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है अब पहला क्वेश्चन है ए मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहला है इट वॉज ड्राफ्टेड बाई डॉक्टर के कस्तूरी रंगन और दूसरा है इट रिप्लेसड प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी ऑफ नाइनटीन एटी सिक्स तो क्या ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ट्वेंटी ट्वेंटी की इसने नाइनटीन एटी सिक्स की कोई एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस किया है ये इसका आंसर आप देंगे ठीक है एबीसी डी में से सेकेंड जो क्वेश्चन है ये ट्रू और फॉल्स है ठीक है करंट टेन प्लस टू स्कूल करिकुलम रिप्लेस बाय फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर सर्कुलर स्ट्रक्चर तो क्या टेन प्लस टू जो स्ट्रक्चर अभी चलता है करिकुलम का वो इस स्ट्रक्चर से रिप्लेस होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत फिर सेकंड है एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट तो एजुकेशन यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है दूसरा ये स्टेटमेंट है तीसरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या ऐसा कोई प्रोविजन है टू सेटअप जेंडर इंक्लूजन फंड तो जेंडर इंक्लूजन फंड का कोई आ, कोई प्रोविजन है क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बताना है और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इज टू बी सेटअप एज एन ऑटोनोमस बॉडी एंड विशेषड अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू परफॉर्म रिसर्च इन कोविड रिलेटेड इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन तो एक ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया है जिसका काम है कोविड के क्या इम्पैक्ट पड़े हैं एजुकेशन पे उसको उसके बारे में रिसर्च करना तो क्या ये सही है या गलत है ये आपको बताना है तो इन सभी के आंसर्स आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल ठीक है तो बी पार्टिसिपेटेव ओके चलो तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल सो हैव अ वेरी गुड डे एंड बाय बाय